ये करोड़पति चाय वाला ही नाम क्यों रखे हैं आप, इसका मकसद क्या था? हमारा जो ड्रीम्स था ना बचपन से, पैसा बहुत सारा कमाना है, करोड़पति सपना था बड़े बड़े घरों में जाने। लेकिन जब पढ़ाई छोड़ के हम बाहर आए कमाने के लिए दुनिया में, बाहर वाले दुनिया में आए, तो पॉसिबल नहीं लगा। दो साल हम जॉब करके भी देखे, 1 लाख रुपये कमाने के लिए 1 साल लगता, तब समझ में आए जॉब से बढ़ सकती है, करना पड़ेगा। अच्छा, आप जो ये चाय बेच रहे हैं घर में, आप बताए होंगे मम्मी पापा को? अभी बता दिए, नहीं सकती, पहले नहीं बताए, पहले नहीं, ऐसे आ गए अभी चाय बेच रहे, ऐसे ही चाय बेच रहे थे। अब पढ़ाई किए थे? पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएट कम्प्लीट हो गया। जैसे कि आप देखे होंगे कि ग्रेजुएट चाय वाली है या तो एम ए बी ए जिस नाम से रखा जाता था, आप करोड़पति चाय वाला ही क्यों? हमने सोचा सभी लोग एजुकेशन पे ट्रेन फोकस करता है, हम सोचे अगर चाय बेचेंगे तो कुछ दूसरा नाम रखे, लोगों के मन में आसान थे यार, हमारा जो था मतलब जो हमारा सपना था उससे मैच करेंगे, हमारा सपना था करोड़पति बनने का। तो आप जो पढ़ाई किए, जो बोल रहे हैं ग्रेजुएट किए हैं, आप नौकरी के बारे में नहीं सोचे? किया था सर, 2 साल कर लिया, 2 साल करने के बाद कितना इंतजार करते हैं नौकरी के बारे में, तो हम बाहर कमाने गए, तब वहाँ पर समझ में आया कि लोग बिजनेस करके बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, सभी लोग वहाँ पर देखें, हम 2 साल बैठक में जब नाम लिया वहाँ पर ज़्यादा बिजनेस करते हैं, बस बड़े बड़े कार्यालय हो गए। पहले आप क्या करते थे? पहले बैंगलोर में चाय बनाते थे, वो काम हमको पता था, लेकिन जब हम यहाँ भागलपुर में सीख तो हम पहले सोचे पार्ट टाइम में करना, तो बिजनेस तो हम सोचे पार्ट टाइम में करें, 2-4 दुकानें और आपका घर जो होगा, जो आप यहाँ पे आके चाय बेच रहे हैं, आपका घर? मेरा घर रामचंद्रपुरी का जी थाना मरपुर जिला। और आपका घर वहाँ, वहाँ कहाँ है? सोचे कि हम वहीं चाय कर, भागलपुर क्यों आए? वहाँ पर लोकल मार्केट है सर, यहाँ पर जो भागलपुर में जो है ना बड़े बड़े अच्छे बड़ा बिजनेस करने के, और जो सबसे बड़ा रीज़न क्या था नहीं बोलेगा सर, लोग क्या कहेंगे, ये तो डर लगता था, हम तुरंत घर में जाके बोल देता तो हमारा दुकान क्लोज करवा देता, यहाँ पर आएंगे नहीं, उस समय हम डर लगता था, लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर अनजान सारा में करना दिक्कत नहीं है ना सर, कोई हमको जान पहचान नहीं रहा है, इधर अभी जान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमको बोल रहे हैं गलत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं सर, हम कर रहे हैं कर, लेकिन वहाँ पर अगर हमारा फ्रेंड बोल देता ये गलत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये चाय जो करोड़पति चाय वाला नाम है, इसका लक्ष्य था कि हम करोड़पति बने, और इसी कारण इसमें चाय करोड़पति नाम रखा गया है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है भागलपुर सीटीएस गेट के आगे है, ये चाय बेच रहे हैं, और यहाँ पे आप कितने दिन से हैं? सर 1 महीना हो गया हमारा, 7 जनवरी को। 7 जनवरी को। और यहाँ पे जो आप रह रहे हैं तो रूम भाड़ा लेके रहते होंगे? सभी मैनेज, उतनी कमाई हो जाती है जो मैनेज हो जाता है, खर्चा वर्चा निकल जाता है सर, अभी तो स्टार्टिंग है हमारा, तो मेन टारगेट होकर के लोगों को चाय आता है, अच्छा क्वालिटी का। आप ये तो कितना नहीं चाहिए, लेकिन अपने यहाँ डेली का कमाई कितना है? 10-15 सौ हो जाती है। आप देख रहे हैं ये करोड़पति डेली बोल रहे हैं 1000-1500 कमाई है, और कमाई चाय सेल है हमारा, वही आपने जो ये चाय जो बेचा है, जो देखा कि ये पटना सब में वो श्रीलंका ऐसा चीज सब देख के दुकान खोले कि ऐसे अपना मतलब देखते थे मीडिया के चर्चा में आ जाएंगे, रिसेंटली सही में ऐसा हो भी गया, अगर चाय नहीं बेचते तो शायद अब तुम मीडिया वाला कवर नहीं करता, लेकिन हो गया सर।